हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फन गार्डनिंग एंड क्रिएटिव आर्ट वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ये देखिए ड्रेसिना के एक और वैरायटी है। इसका साइंटिफिक नेम है कॉर्डिलाइन फ्रूटिकोसा, मगर हम इसको बेबी डॉल के नाम से जानते हैं। और भी इसका और नाम है, जैसे कैबेज ट्री प्लांट बोलते हैं, फिर इसको माइसोर रूबी बोलते हैं, बहुत सारा नाम है, मगर आपको तो नर्सरी में बेबी डॉल के नाम से ही मिल जाएगा। तो ये बहुत ब्यूटीफुल प्लांट है, इसको आप इंडोर रख सकते हैं और आउटडोर में भी रख सकते हैं। तो अगर इसका प्लेसमेंट खूब इम्पॉर्टेंट है, अगर आप आउटडोर रखें तो इसको ऐसे जगह पे रखिए जहाँ पे पार्शियल शेड है, मतलब डायरेक्ट सन इसके ऊपर ना पड़े। इसका एक ही प्रॉब्लम होता है, ये जो इसका जो लीव्स है उसका टिप ब्राउन हो जाता है, बहुत जल्दी इसका टिप ब्राउन हो जाता है। तो इसको ऐसे फिल्टर थोड़ा सनलाइट मिले मॉर्निंग में तो ठीक है, और इसको मतलब ब्राइट लाइट चाहिए, मगर डायरेक्ट सन ये टॉलरेट नहीं कर सकते। तो अगर गार्डन में रखे तो इसको किसी पेड़ के नीचे रखे तो ठीक है, अदरवाइज अगर टेरेस में या बालकनी में रखे तो ध्यान रखिए इसको थोड़ा सा शेड में रखे। और अगर इंडोर रखे तो इसको ऐसे जगह पे रखिए जहाँ पे इसको ब्राइट लाइट मिले मगर डायरेक्ट सन इसके ऊपर ना पड़े, मतलब विंडो के पास आप रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है इसका सॉइल। सॉइल तो देखिए और प्लांट की तरह इसको वेल ड्रेन सॉइल ही चाहिए, और नर्सरी से आप जब लेके आएंगे तो नर्सरी का जो मिट्टी होता है बहुत चिकनी मिट्टी होता है, तो चिकनी मिट्टी हटा के इसको वेल ड्रेन सॉइल में लगाइए। तो एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा कॉम्पोस्ट और एक हिस्सा रिवर सॉइल ले लीजिए। नेक्स्ट है इसका वाटरिंग। इसका वाटरिंग तो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट, वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं है, तो इसको एक बार वाटरिंग भर के कर दीजिए, उसके बाद फिर गैप देके नेक्स्ट वाटरिंग करें। जब तक इसका टॉप सॉइल 1-2 इंच सूखेगा तभी इसको वाटरिंग करें, और नहीं तो इसका रूट रॉट होने का चांसेस होता है। और इसका जो सॉइल है थोड़ा मॉइस्ट साइड में रहना चाहिए, मतलब इसको मिस्टिंग करें, मिस्टिंग ये पसंद करते हैं। तो इसका जो टॉप सॉइल है थोड़ा मॉइस्ट रहे, देखिए मेरा सॉइल देखिए, ये देखिए मॉइस्ट है मगर ये सॉगी नहीं है, देखिए ये देखिए ये देखिए। तो मिस्टिंग करें तो इसका सॉइल का ऊपर का जो पोर्शन है थोड़ा मॉइस्ट रहेगा, और इसको मिस्टिंग करें। और मेरा जो प्लांट है इसका भी देखिए टिप ब्राउन है, तो इसको मैंने अभी बिल्कुल शेड में इसको शिफ्ट कर दिया। तो फिर है इसका इन्फेस्टेशन। इस पे तो इतना इंसेक्ट अटैक का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मगर फिर भी कभी स्पाइडर माइट का प्रॉब्लम हो जाए तो आप नीम ऑयल स्प्रे कर सकते हैं, नहीं तो 1 लीटर पानी में 1 चम्मच लिक्विड हैंड वॉश या तो शैम्पू डाइल्यूट करके फिर स्प्रे कर सकते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और रेगुलर मिस्टिंग से तो कोई प्रॉब्लम अराइज ही नहीं होगा। फिर इसका फर्टिलाइजर का बात, तो फर्टिलाइजर का बात आता है, तो ये हाई फीडर प्लांट नहीं है, इसको साल में 2 बार और प्लांट की तरह आप कॉम्पोस्ट दे सकते हैं, नहीं तो अगर आप लिक्विड फर्टिलाइजर यूज करें तो मतलब एवरी 3 मंथ्स के बाद आप थोड़ा थोड़ा लिक्विड फर्टिलाइजर भी डाल सकते हैं, नहीं तो साल में 2 बार कॉम्पोस्ट दे दीजिए बस, तो ये ठीक से ग्रोथ इसका होता रहेगा। तो इसका इजी केयर है। नेक्स्ट इसका प्रोपागेशन। प्रोपागेशन तो देखिए अगर आप इसको थोड़ा सा मतलब बड़ा गमला में लगाएंगे तो साइड से इसका तो बेबी प्लांट्स निकल आता है, और नहीं तो इसको अगर आप ये स्टेम कटिंग से भी ये ग्रो कर सकता है, देखिए ये स्टेम कटिंग से भी ग्रो कर सकता है, यहां से अगर आप काट देंगे तो यहां से और भी ब्रांच आउट हो जाएगा, 2-3 ब्रांच निकल आएगा, और फिर ऊपर का पोर्शन आप काट के फिर मिट्टी में लगा दीजिए, क्योंकि ये प्लांट बहुत लेगी हो जाता है, इसको टाइम टू टाइम कटिंग करना पड़ता है, नहीं तो नीचे का जो पत्ते है वो झड़ के बहुत लेगी हो जाता है। अगर आप बुशी बनाना चाहते हैं तो इसको टाइम टू टाइम कटिंग और प्रूनिंग करें। और देखिए साइड से ऐसे बेबी प्लांट्स निकल आता है, देखिए कितना छोटा सा पॉट है, एक डिटर्जेंट का कंटेनर है उसमें से देखिए ये निकल आया, तो इसको भी मैं निकाल के फिर दूसरे पॉट में लगा दूंगी। तो आपको ऐसे और प्लांट्स मिल जाएगा एक प्लांट से।
तो बहुत इजी केयर एंड प्रोपोगेशन है, स्पेशली बिगिनर्स भी इसको रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लेके आइए, नर्सरी से बहुत ब्यूटीफुल प्लांट है, और ये प्लांट जितना मैच्योर होगा उतना इसका कलर खिलेगा, मतलब कलर थोड़ा रेडिश हो जाएगा इसका। ऐसे तो कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ थोड़ा टिप ब्राउन, मतलब थोड़ा ड्राई आउट हो जाता है इसका लीव्स। तो इसका अगर प्लेसमेंट आप ठीक ध्यान से करें और इसको वाटरिंग थोड़ा ध्यान से करें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसका, बहुत इजी केयर है। तो फ्रेंड्स आज यही तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।